गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ही संडे, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली मेरा फ्राइडे का डिनर रूटीन, क्योंकि फ्राइडे को मैंने कुछ अलग बनाया था। एक्चुअली राज को मेरे से उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको पता होगा राज शेफ है। और जब ना आपके घर में आपके पति शेफ होते हैं ना, तो आपको किचन में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स कि मतलब ऐसे अलग अलग वैरायटी आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको खाना हो तो बस बोलना पड़ता है कि मुझे ये खाना है, तो आपको बन के मिल जाता है। बस आपको बाद में किचन साफ करना पड़ता है, जबरदस्त गंदा करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हद तक रहता है, मतलब खाने को मिल जाता है। बट आज मैंने ट्राई किया, तो आज मैंने सोचा था कि मैं आज रात को चाइनीज मेन्यू खिलाऊं, ऐसा मैंने सोचा था। मतलब आज नहीं, सॉरी, फ्राइडे को सोचा था। तो फ्राइडे को मैंने चाइनीज मेन्यू बनाया था, जैसे कि फ्राई राइस, देन चिकन का कुछ और बनाने वाली थी, कुछ और बन गया था, मतलब प्रॉपर ऐसा बना ही नहीं कुछ। और मैं बनाने वाली थी सूप, बट क्या हुआ कि जब मैं ये बना रही थी ना फ्राई राइस, उसी टाइम पे परी उड़ गई और फिर मेरा सूप बनाना रह गया। तो फिर जब बन गया तो चिकन का मैंने स्टार्टर बनाया, देन फ्राई राइस बनाया, और जैसे मैंने कहा कि मैं सूप भी बनाने वाली थी, मंचाउ सूप, बट नहीं बना पाई। तो मैंने सिर्फ फिर शेजवान चटनी ली, तो हमने वही खाया और वो मैंने डिनर में बनाया था, और काफ़ी हद तक अच्छा बना था। बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मुझे राज की लेवल का मैच नहीं कर पाई मैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा बना, ऐसे राज ने कहा। अब अगर वो शेफ है और उनके यहाँ से वो मुझे ये मिल रही है कि हाँ अच्छा बना था, तो शायद अच्छा बना होगा। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा बना था, बट काफ़ी हद तक अच्छा बना था। तो आप लोग देखिए मैंने क्या बनाया था, और शायद आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप बनाइए, अच्छा लगा हो तो भी बनाइए, और आप लोगों को आता होगा तो भी बनाइए। कभी कभी ऐसे अलग खाना चाहिए, इसीलिए तो मैंने बनाया था फ्राई राइस, देन चिकन स्टार्टर ही बोलूँ, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी क्या। तो चलिए आप लोग देखिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिया है चिकन कितना लिया वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें मैंने एक डाला है, कितना लिया वो पता नहीं, क्योंकि हम मतलब ज़्यादा ला के रखते फ्रीजर में इसीलिए। लेकिन उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और ऑल पर्पज़ फ्लोर डाला, मतलब कि मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला, क्योंकि राज किस तरह से बनाते हैं मैं थोड़ा मुझे आइडिया था ना, इसलिए। फिर उसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन की पेस्ट थोड़ी सी, और मैंने अंदाजे से डाला, ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही डालो, कम डालो, ज़्यादा डालो, बट अपने अंदाजे से डाला। फिर नमक डाला और थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाली, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला, देन मिक्स कर दिया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और फिर मैंने एक तरफ फ्राई करने के लिए ऑयल भी रख दिया था मैंने, तो वो चम्मच से नहीं हो रहा था, फिर मैंने बाद में हाथ से फटाफट किया। और मिर्च पाउडर मैंने इसीलिए डाली, आप ये भी डाल सकते हो, ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, बट मुझे वो बारीक बारीक कट करना नहीं आता, और मिक्सर में पीसने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि परी सोई थी, आवाज़ होता तो वो उठ जाती थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली, जिससे कि वो कलर भी लाल पकड़े और जैसे तीखा भी बने थोड़ा सा, ऐसा मतलब चटपटा, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली थी, और अगर आपके पास धनिया हो तो वो धनिया भी डालिए, मतलब कोरिएंडर लीव्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले डाल के देखा कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं, तो हो चुका था, क्योंकि मैंने तेल पहले रख दिया था गर्म करने के लिए। फिर मैंने उसमें अच्छे से छोड़ रही थी एक एक घिर करके, तो ये अच्छा है ना, मतलब स्टार्टर टू स्टार्टर भी हो जाता है, देन फटाफट बन जाता है, मतलब ऐसा लगता है ना, हमें ज़्यादा आदत है मतलब स्टार्टर में कुछ खाने की, भाजी होना हो, कुछ ना कुछ ऐसे अलग चटर पटर चाहिए, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग मस्त बन गया था, और बहुत यम्मी भी लग रहा था। तो अगर आपको नहीं आता हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आता हो तो भी, आपको भूल गए हो तो याद कर लीजिए, फिर से बनाइए, बहुत यम्मी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब डाल लिए थे, और गैस में सॉरी इंडक्शन मैंने फुल पे रखा था, क्योंकि ये हमारा इंडक्शन पता नहीं एकदम फास्ट नहीं चलता, मतलब गैस की इतने लेवल का नहीं चलता। अगर आप गैस पे बनाओगे तो मीडियम पे रखिए, ताकि अच्छे से, क्योंकि चिकन भी अच्छे से थोड़ा बीच अंदर से पकना चाहिए ना, तो उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं पलटी करके रखी थी, क्योंकि पैन था, अगर कढ़ाई होती तो फिर वो ऊपर भी ऑयल आ जाता है, बट ये पैन था तो इसलिए। और मैंने ऑयल थोड़ा मतलब नॉर्मली डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, राज होते ना वो बहुत ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि उनको आदत है ना, क्या बोलते हैं, उनको पूरा भरा हुआ चाहिए होता है, पूरा उसमें डूबना चाहिए जो भी उनको फ्राई करना है वो। मैं थी तो मैंने थोड़ा कम ही डाला, और औरतों को आदत रहती है ना एडजस्ट करने की, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे मैं दो तीन बार मैंने चेक किया हुआ है कि नहीं, और वो मेरे हाथ से सटक भी रहा था, तो यहाँ पे हो चुका था शायद, इसलिए मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन रखा जिसमें कि मैंने ऑयल डाला है, और राइस मैंने पहले बना के रखा था बासमती राइस, तो ऑयल गर्म होते मैं उसमें डालूंगी एक एग, जिसका मतलब आमलेट टाइप बन जाएगा वो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एग डाल दिया, और राइस जिस मैंने कहा पहले बना के रखा था, तो इसलिए जस्ट मुझे फ्राई करना था,
और उसमें मैंने चिकन के एकदम छोटे छोटे बोनलेस जो चिकन रहता है उसको मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे और वो मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिए ताकि वो दांत की नीचे खाने में इसलिए। तो इसमें मैंने डाली अदरक लहसुन पेस्ट और मिर्ची मैंने कट करके डाली क्योंकि मुझे एकदम बारीक कट करना नहीं आ रहा था और राज रहते हैं तो राज एकदम मस्त क्रश करके देते हैं इसलिए मुझे टेंशन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कट करके डाली तो दो चार जस्ट थोड़ा सा तीखा होने के लिए और मैंने बाद में इसमें सोया सॉस चिली सॉस डाला था तो उसमें भी थोड़ा सा तीखापन आ चुका था और देन स्टार्टर भी था ही थोड़ा चटपटा और देन शेजवान चटनी भी थी मेरे पास इसलिए मिर्ची मैंने ऐसे कट करके डाली। तो यहाँ पे मेरा हो गया था वो पक के। फिर उसमें मैंने डाला पत्ता गोभी और मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं थे, अगर होते तो वो भी मैं डालती लास्ट में बट नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने गोभी कट करके धो के रखा था तो वो मैंने डाल दिया। तो गोभी जब मेरा सॉफ्ट हो जाएगा देन उसके बाद मैं उसमें, ये देखिए यहाँ पे मेरा गोभी सॉफ्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, सॉरी ये चिली सॉस है, देन सोया सॉस डालूंगी। तो सोया सॉस थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया था इसलिए वो थोड़ा सा डार्क कलर आ गया था, सोया सॉस हमें और कम डालना चाहिए लेकिन मुझसे ज़्यादा हुआ था। फिर डाल नमक और अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको। ये देखिए अगर आपके पास विनेगार हो तो थोड़ा सा विनेगार भी डालिए ताकि वो एकदम चाइनीज़ वाले टेस्ट आए। मेरे पास वो अजीनोमोटो था बट परी ब्रेस्ट फीड करती तो इसलिए मैंने अजीनोमोटो नहीं डाला। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा राइस मैंने ऑलरेडी बना के रखा था तो इसलिए मैंने वो किया, तो राइस के से ज़्यादा बनाया था ना इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते गोले गोले टाइप में था कुछ साइड में, तो मैंने अच्छे से फोड़ के फिर अच्छे से मिक्स कर लिया देन गैस के ऊपर पकाने के लिए रख दिया। और इस टाइम भी इतनी परी उठ रही थी ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ फ्राई राइस बनाने में क्योंकि फ्राई राइस जब आपको बनाना होता है तो गैस की फ्लेम ना एकदम मतलब हॉट होना चाहिए, मतलब क्या बोलते फुल होना चाहिए तो ये फ्राई राइस में वो चाइनीज़ वाली टेस्ट आती है, बट मुझे मीडियम पे रखना पड़ा था। देखिए आप तीन पे था तो क्योंकि परी उठ रही थी बार बार इसलिए। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल होते स्प्रिंग ऑनियन होते तो वो भी डालती बट वो नहीं थे, जस्ट मैंने धनिया ही डाला। और यहाँ पे हमारा फ्राई राइस भी बन के रेडी हो चुका है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी लगता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे स्टार्टर चिकन का देन फ्राई राइस और शेजवान चटनी रेडी है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।